हाय, दिस इज़ पूनम शर्मा एंड वेलकम टू सद्भावना न्यूज़। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सरकार ने मध्य प्रदेश में होने वाली स्नातक एवं स्नातकोत्तर की सभी परीक्षाएं ओपन बुक पद्धति से कराने का निर्णय लिया है। परीक्षाओं की तारीख फिलहाल तय नहीं है। इससे पहले सरकार द्वारा स्नातक अंतिम वर्ष तथा स्नातकोत्तर की फोर्थ सेमेस्टर की ऑफलाइन परीक्षा कराने का आदेश दिया था। इस संबंध में उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा मीडिया को जानकारी दी गई कि बीती 15 तारीख को एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री से चर्चा कर मध्य प्रदेश में यूजी पीजी की सभी परीक्षाओं को ओपन बुक माध्यम से कराने की अनुमति ले ली है। विद्यार्थी अपने नज़दीक के कलेक्शन सेंटर पर जाकर अपने अपने विश्वविद्यालय के निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार परीक्षा दे पाएंगे। बता दें कि ऑफलाइन परीक्षा को लेकर विद्यार्थियों द्वारा लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था। इंदौर के डीएवीवी के कई छात्रों ने भूख हड़ताल भी की थी, जिसमें प्रदेश के कई कॉलेजों के सैकड़ों विद्यार्थी और छात्र नेता शामिल हुए थे। सद्भावना पाती न्यूज़ द्वारा ओपन बुक प्रणाली से परीक्षा को लेकर आवाज़ उठाई गई थी, जिसके फलस्वरूप मध्य प्रदेश में यूजी पीजी की सभी परीक्षाएं ओपन बुक माध्यम से होंगी। मैं डॉक्टर मोहन यादव, उच्च शिक्षा मंत्री। बीती दिन 15 तारीख को हमने माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री से इस बात की अनुमति प्राप्त कर ली है कि इस साल यूजी पीजी की परीक्षा जो हम कक्षाओं में बैठकर कराने वाले थे पेन पेपर के माध्यम से, अब नए निर्णय के हिसाब से यूजी पीजी स्नातक और स्नातकोत्तर की जो परीक्षा है वो सारी परीक्षाएं अब हमारे बच्चे ओपन बुक परीक्षा प्रणाली के माध्यम से दे पाएंगे, जिसके आधार पर हमको कॉलेज में आकर के कक्षा हॉल में बैठ के परीक्षा देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नजदीक के कलेक्शन सेंटर पर जाकर के अपने अपने विश्वविद्यालय के निर्धारित कार्यक्रम के हिसाब से वो परीक्षा दे पाएंगे। हमारा सबका भाव ये कि कोरोना के कारण से किसी भी के परिवार में कोई घटना नहीं हो जाए, सबको प्रत्येक को कोरोना से बचाना भी हमारा उद्देश्य है। मैं आपके माध्यम से अपील करता हूं कि ये जो हमने पुनः इस कार्यक्रम को बदला है और अब जो ओपन बुक परीक्षा प्रणाली लागू की है उसका सब पालन करें।